नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे किस प्रकार धोखे से भारत से वेस्टर्न देशों ने कश्मीर का 45% बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हड़प लिया केवल भारत की सहनशीलता और गलत पॉलिटिकल डिसीजंस के चलते। फ्रेंड्स, कश्मीर भारत के नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रीजन में स्थित 180,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला क्षेत्र है। 1947 में आज़ादी के बाद से ही ब्रिटिश और वेस्टर्न देश भारत से चिढ़े थे और कश्मीर प्रिंसली स्टेट होने के कारण अभी भी अलग था। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी भूखे नंगे जंगली भेड़ियों द्वारा कश्मीर पर कब्जा करने पर कश्मीरी महाराजा हरी सिंह और एलएल माउंटबेटन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा घोषित किया। जवाब में इंडियन फोर्सेस इन जंगलियों को पीछे खदेड़ ही रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि दोनों देशों में शांति हो, इसलिए चालाकी से यूएन में सीज फायर व एलओसी का सुझाव पास करवाया। फिर 22 जून 1962 को वेस्टर्न कंट्रीज कश्मीर को पूरी तरह से अलग करना चाहती थी। आयरलैंड ने प्रस्ताव रखा और वेस्टर्न कंट्रीज ने सपोर्ट किया। यह सभी देश कश्मीर पाकिस्तान को देखकर भारत के टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन यूएसएसआर रूस ने अपना सवां वीटो कर प्रस्ताव रद्द किया। इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 में कश्मीर का पूर्वी हिस्सा पॉलिटिकल डिसीजन के चलते चीन हड़प गया, जिसे वह एक्साई चीन कहता है। अब 3 दिसंबर 1971 के वॉर में फिर से वेस्टर्न देशों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और फिर से यूएसएसआर यानी रूस ने भारत का साथ दिया। लेकिन किंतु परंतु हम भारतीय इन मनगढ़ंत कहानियों को नहीं मानते और पूरा कश्मीर हमारा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मतलब यही है कि पूरे कश्मीर पर कार्रवाई। यह पहला बड़ा कदम था और आगे भी भारत कई बड़े कदम उठाने वाला है और यही सहनशीलता पूरा कश्मीर भारत के नाम करेगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़ जाएं नेगी द इन्फोडा से। जय हिंद।